लोकसभा चुनाव 2024 के मद्देनजर विपक्षी दलों के इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट शेयरिंग फॉर्मूले पर चर्चा नहीं हुई। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बैठक से पहले दावा किया था कि इसमें सीट बंटवारे पर बातचीत शुरू हो जाएगी, मगर उनका दावा गलत निकला। हालांकि जेडीयू को इस बारे में अंदेशा था कि कमेटी की पहली बैठक में इस पर चर्चा नहीं होगी, इसलिए पार्टी के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी ने कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक से एक दिन पहले कहा था कि उसमें सिर्फ चुनाव प्रचार की रणनीति और मुद्दे पर बात की जाएगी। ऐसे में सवाल उठ रहा है, जेडीयू और आरजेडी में से सीट शेयरिंग को लेकर हड़बड़ी किस पार्टी को है? देश भर में बीजेपी के खिलाफ एकजुट होकर इंडिया गठबंधन बनाने वाले विपक्षी पार्टियों के बीच सीट शेयरिंग का मुद्दा सबसे जरूरी है। भले ही गठबंधन के नेता सार्वजनिक रूप से इस बात पर किसी भी तरह के विवाद से इनकार कर रहे हैं, मगर अंदर खाने सभी दल अपने अपने प्रभाव वाले राज्यों में मजबूत दावेदारी जताने को बेताब दिख रहे हैं। इसीलिए जब इंडिया गठबंधन के कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक 13 सितंबर को बुलाई गई तो कयास लगाए जाने लगा कि इसमें सीट शेयरिंग पर जरूर चर्चा होगी। आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव ने बैठक से दो दिन पहले मीडिया से बातचीत में ये तक कह दिया कि कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य सीट शेयरिंग पर चर्चा शुरू कर देंगे। उन्होंने कहा कि 28 दलों के नेता साथ आ गए हैं, अब उम्मीदवारों के चयन पर काम शुरू होगा। हालांकि लालू का ये दावा गलत निकला। एनसीपी चीफ शरद पवार के आवास पर दिल्ली में हुई विपक्षी गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक में सीट बंटवारे को लेकर कोई चर्चा नहीं हुई। इस बैठक में आरजेडी की ओर से लालू यादव के बेटे व डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव शामिल हुए। तेजस्वी ने बैठक के बाद मीडिया से बातचीत में कहा कि सीट शेयरिंग को लेकर किसी दल में कोई विवाद नहीं है, सभी साथ आ गए हैं, जल्दी इस पर भी चर्चा की जाएगी। कोऑर्डिनेशन कमेटी की बैठक को लेकर जदयू के वरिष्ठ नेता केसी त्यागी की बात सही निकली। उन्होंने मंगलवार को कहा था कि इंडिया गठबंधन 2 अक्टूबर से चुनावी रैलियां शुरू करने जा रहा है, कोऑर्डिनेशन कमेटी के सदस्य मिलकर चुनावी जनसभाओं एवं प्रचार की रणनीति पर चर्चा करेंगे, साथ ही उन मुद्दों पर बातचीत होगी जिन्हें लेकर गठबंधन जनता के सामने जाएगा। उन्होंने सीट शेयरिंग पर चर्चा होने की संभावना नहीं जाहिर की थी। आखिर में बैठक के अंदर सिर्फ चुनाव प्रचार और अन्य मुद्दों पर बात हुई।